हे हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग नमस्कार सत्यकाल कैसे हैं आप सारे लोग एक बार जल्दी से सारे लोग कंफर्मेशन देंगे कि सभी को वीडियो जो है वो प्रॉपर तरीके से जारी है नहीं लाइव ताकि हम लोग सेशन को आगे की तरफ बढ़ा पाए गाइस प्लीज कंफर्म वंस ओके 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 आई गेस सो कि वीडियो सभी को लाइव जा रही है और पता नहीं इसको क्या हो गया आई डोंट नो चलिए गाइस फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ जल्दी से जल्दी थोड़ा सी आज मैं थोड़ा सा हमें लेट हो गया है ओके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन आवाज आ रही सभी को क्लियर तरीके से कोई दिक्कत कोई तकलीफ ओके okay गाइस तो जैसा कि आपको पता है कि सुबह सुबह हम क्या करते हैं हम करते हैं वन लाइनर और तो जल्दी से अब आगे बढ़ जाते हैं बिना किसी देर के अब देखिएगा आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके यहाँ पे सुपर टीचर्स हैं जो आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं आपकी क्लासेस के लिए यहाँ पे जो आपकी पूरी एस की तैयारी कराने के लिए तो अगर अभी तक आप लोगों ने बैच परचेस नहीं किया तो बैच परचेस कर लेंगे दिव्या का कोड लगा के बस आपको जाना है आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन और उसके बाद आपको आ जाना है प्लेटफॉर्म के ऊपर ओके ग्रेट गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग शुभ प्रभात आप सभी को शुभ प्रभात चलिए आ जाइए जल्दी से बिना किसी देर के आज के क्वेश्चन के ऊपर तो रेडी है भाई सब देखो वन लाइनर क्वेश्चन के साथ आ चुके हैं उसे बस मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया है आप लोगों के लिए कि जब वन लाइनर ही है जब आसानी क्वेश्चन है तो वन लाइनर के फॉर्म में क्यों नहीं मैं आप लोग थोड़ा सा मिक्स करके मैं पढ़ा दूके अब देखिएगा पहला सवाल क्या कह रहा है कि डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया है ये पूछ रहा है आपसे अब भाई अगर तुम कहोगे कि मैम हमने ना तो बहुत पहले डिजाइन कर लिया था तो अपन उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं एक सेकेंड पिंगली वैनख्या पिंगली वनख्या वेरी वेरी गुड मैंने क्या बोला जब भारत आपका स्वतंत्र हो चुका था यानी कि जब कॉन्स्टिटेंट असेंबली जब बैठी थी जब कॉन्स्टिटेंट असेंबली बैठ की एक एक चीज के ऊपर जब डिस्कशन हो रहा था कि भैया कब नेशनल फ्लैग होस्ट करना है डिजाइन के बारे में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी क्यों थी कभी मन में आया कभी दिमाग में आया कि संवैधानिक सभा थी तो संवैधानिक सभा बैठी क्यों थी किस वजह से बैठी थी पिंगली वनख्या नेशनल फ्लैग जिसे हम धर्म चक्र जो आप चक्र जो आप देखते हो नेशनल फ्लैग के अंदर है ना उसे हम क्या बुराते हैं बेसिकली धर्म चक्र बुराते हैं चौबीस तीलियों के साथ क्योंकि धर्म चक्र हमने धर्म उसे कहा है जो राष्ट्र भक्त है जो राष्ट्र धर्म है उसे बोल के अपन प्रोसीड करते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़िए अरे रुको 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 फ्लेमिंगो एक फेस्टिवल है फ्लेमिंगो फेस्टिवल है आप फ्लेमिंगो से ये मत याद कर देना सीधे सीधे जितने भी लोग एलेवंथ ट्वेल्थ में ना अपनी किताब हुआ करती थी क्लास एलेवंथ और ट्वेल्थ में इंग्लिश की वो इंग्लिश की किताब का नाम था ना फ्लेमिंगो और एक क्या नाम था स्नैप स्नैप चैट या डील नहीं स्नैप डील तो वो है स्नैपैट चैट को उसका नाम था ना याद दिला हाँ, तो एक फेस्टिवल है बेसिकली पक्षियों का फेस्टिवल है और ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है आपको ये बताना है इस दिन दूर दूर से सारे लोग आते हैं पक्षियों को देखने के लिए अलग अलग प्रकार की हाँ मैम इंग्लिश के सी बी एस ई बोर्ड में स्नैपशॉट्स यस 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 हम्म ठीक है एग्जैक्टली वेरी वेरी गुड एवरी वन वेरी वेरी गुड अच्छा जो जो लोग टू बता रहे बेटा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये निल्लोर जिले में है जितने भी लोग अरुणाचल प्रदेश बता रहे हैं मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। बेटा अगर अरुणाचल प्रदेश में होता ना तो चाइना अब तक इसके फेस्टिवल में आके कूद गया होता कि आइल्ला तुम लोग फेस्टिवल मना रहे हो पार्कों का संरक्षण करने के लिए पक्षियों को यहाँ पे और संरक्षण प्रोवाइड करने के लिए हम भी आएंगे हम भी तो एक प्रकार के पक्षी ही हैं हमें भी रख लो अंदर हम बात करें किसके बारे में आंध्र प्रदेश के बारे में ठीक है पक्षियों का संरक्षण करने के लिए और उसके थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर नेल्लोर में ये कहाँ पे पुलिकट झील के पास इसको हमेशा हर साल मनाया जाता है और दूर दूर से लोग जो होते हैं इसको देखने के लिए आते हैं श्रीवरी ब्रह्मोत्सव जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है किस स्टेट में जल्दी से बताएंगे श्रीवरी ब्रह्मोत्सव जो है ये किस स्टेट में किस राज्य में ऑर्गेनाइज किया जाता है फटाफट से अभी जस्ट मैंने बताया है आपको आप कभी तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश्वर के मंदिर गए हैं कभी तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश्वर के भगवान के मंदिर गए हैं आप सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वहाँ का श्रीवरी ब्रह्मोत्सव जो है जो कि वार्षिक तौर पे ऑर्गेनाइज कराया जाता है जब दूर दूर से भक्तजन जो होते हैं दर्शन करने के लिए आते हैं और रात रात भर तक ये पूरा फेस्टिवल जो है लोग इसके लिए इंतजार करते हैं लाइन लगाते हैं हम बात कर रहे हैं किसके बारे में आंध्र प्रदेश के बारे में तिरुपति का मंदिर है ना यहाँ पे आंध्र प्रदेश में में तो ये पूरे साल में एक बार मनाया जाता है देख रहे हो आप कैसे सजाया जाता है मंदिरों को अगला पाके पागा फेस्टिवल हॉर्नबिल जो है ये कहा मनाया जाता है जल्दी से फटाफट -फड़ तरीके से हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल 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 देखो हर किसी राज्य को जो जो लोग जवाब दे रहे उनके लिए बता रही हूँ हर किसी राज्य में ना जैसे पक्षी संरक्षण के लिए उत्सव मनाते हैं राइट तो अलग अलग जानवरों को संरक्षण के लिए कुछ मनाते हैं ना लोगों में जागरूकता फैलाते हैं ये सारी चीज़ें हो गई ये तो मैं बाबा क्लियर हो गया इसको यहाँ की सरकार ने तुम समझ लो एक राजकीय फेस्टिवल घोषित कर दिया है स्टेट का फेस्टिवल इसे घोषित कर दिया है पाके पागा हॉर्नबिल को ये वही सा जगह है जहां से किसको नागालैंड त्रिपुरा आइला कम से कम जरा सा तो न्यूज बने रहो जब मैंने कहा इसको राजकीय उत्सव जब इसे शामिल कर दिया है ये कौन सा है अरुणाचल प्रदेश है अरे बाबा जहाँ पे हमारे कोई भी अगर मंत्री पहुँच जाते हैं कोई भी तो चाइना वाले ऐसे लाल कपड़ा लेके कर पहुँच जाता है उस पर एक भाषा में लिख के और दिखा दिखा के बोलता है चले जाओ चले जाओ चले जाओ ये तो हमारी जगह है बोल के ठीक है इसको क्या मनाया गया है फिलहाल इसे राजकीय उत्सव भी बता दिया गया है ये देखो यहाँ पर ऐसे लोग ड्रेसअप होते हैं डांस करते हैं इस तरीके से भीड़ लगती है यहाँ पर हल्का बहुत दिख रहा होगा आपको क्योंकि थोड़ा सा हेजी पिक्चर है ये लोग यहाँ पहनते हैं वहां का और उसके बाद क्या करते हैं डांस करना पक्षियों के बारे में <laughs> आपको देखने के बाद मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है तो लोग मंदिर क्या करने जाते हैं जरा बताना तुम ना, तो? ना। बोरी बूट फेस्टिवल जो है वो लोग याद क्या पूछ रहे हो आप मैम बेटा आप लोगों से था दें मैग स्टार्टिंग जी के पूछ रही हूँ बोरी बूट फेस्टिवल जो है ये किस राज्य में ऑर्गेनाइज किया जाता है मणिपुर में उत्तराखंड में अरुणाचल प्रदेश में आंसर इट गाइज न्यायश न्याशी ए अरे अब तो तुम लोगों ने सही जवाब दिया है न्याशी जनजाति के बारे में सुना है न्याशी जनजाति फॉर्म ऑफ ट्राइब नहीं नहीं बाबा न्याशी जनजाति दो है जनजाति जो है वहां की वो इस फेस्टिवल को मनाती है उसी तरीके से सज धज के एक प्रॉपर तरीके से कोई मुझे बता सकता है कि अरुणाचल प्रदेश को Uh, किस संशोधन के तहत पूर्ण राज बना दिया गया था कोई बता सकता है एनी वन हा फिफ्टी ध्यान रखिएगा 55 ओके okay. यार मैं मैं ना कल रात को मैं सोई हूं साढ़े पाँच बजे तो मेरी आंखें जो है ना वो अभी भी कह रही है कि दिव्या हमें माफ़ करो हम थोड़ी देर बाद पूरी तरीके से थोड़ा दिखाई दिखाई देना शुरू करेंगे ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोलंग फेस्टिवल जो है ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है किस राज्य में मणिपुर में उत्तराखंड में महाराष्ट्र में या फिर अरुणाचल प्रदेश में फटाफट गाइस जल्दी जल्दी शहर क्लास यार क्या कर रहे हो तुम लोग सुबह सुबह अच्छा जितने भी लोग एक बार क्लास में मौजूद हैं एक बार आप लोग सेशन को एक बार लाइक कर देंगे जल्दी से जब देखो हर एक राज्य मकर संक्रांति मनाते हो राइट पोंगल मनता है मकर संक्रांति मन, मनता है अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग चीजें अपने मनाते हैं जब क्या होता है लोकप्रिय त्योहार क्यों होता है आप देखोगे कि जब फसल होती है जब फसल जब कटती है राइट right. जब फसल कटती है तो हर कोई सेलिब्रेट करता है कि यार फसल कट गई है खाना सबसे इंपॉर्टेंट है तुम कितना भी कुछ कह लो कि अपन ये कर रहे हैं तुम कमा भी रे ले रहे हो अच्छे खाना खाने के लिए अगर वो फसल ही ना कटे अगर वो खाना ही तुमको खाने के लिए अगर नहीं मिले तो क्या फ़ायदा है कोई फ़ायदा है तो ये जो फेस्टिवल मनाया जाता है ये अरुणाचल प्रदेश का वहां का आप कह सकते हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है जहां पे लोग जैसे कहते हैं कि जब बीज बोते हैं तो फसल में उसके अच्छे फसल होने की उपलक्ष्य में इस त्यौहार को सोलंग फेस्टिवल को क्या करते हैं क्या हो गया क्लास दिखाई नहीं दे रही है दे रही है ना आवाज आ रही है ना तो सोलंग फेस्टिवल को क्या करते हैं ये लोग उस लक्ष्य में मनाते हैं अब यहाँ पे अपनी अपनी जो औरतें आती हैं इवन जितने भी अगर आप बोलोगे मैम कोई स्पेसिफिक जनजाति है क्या मैम जो इस फेस्टिवल को मनाती है मैंने को नहीं ओवरऑल पूरा अरुणाचल प्रदेश जो है पूरा अरुणाचल प्रदेश इस फेस्टिवल को हर साल मनाता है भविष्य में अच्छा फसल होने के लिए कहते हैं देवताओं की पूजा करना एक तरीके से उनसे मन्नत मांगना और उसके बाद पारंपरिक वहाँ के गीतों पर और वहाँ पर डांस परफॉर्म करना ग्रेट ये देखिए आप देख रहे होंगे वहां के आंदुनिक ड्रेसेस को पहन के वो जैसे करीना कपूर ने किया था ना डांस वो उसमें क्या नाम था यार जब वी मेट में एग्जैक्टली exactly. right किताब की द राइट मैन जल्दी से वैसे राइट right मैन बोल के कोई आज तक हुआ नहीं है बाय द वे शुक्रिया गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फटाफट तरीके से थोमस पाइन थोमस पाइन थोमस पाइन वेरी वेरी गुड ये बड़ी फेमस किताब है थोमस पाइन के द्वारा इसको लिखी गई है फॉरवर्ड फटाफट तरीके से अगला सवाल क्या कह रहा है आपको बता रहा है इनमें से कौन सा कंट्री जो है ये मेंबर नहीं है एशियन का कौन सा कंट्री एशियन का मेंबर नहीं है जल्दी से फटाफट नहीं बेटा नहीं मलेशिया भी है इसका मेंबर थाईलैंड भी है कंबोडिया भी है इंडोनेशिया भी है इवन म्यांमार भी है अच्छा सबने न्यूज पढ़ा मैंने आज सुबह पढ़ा मैं जैसे सुबह उठी तो मैंने देखा थाईलैंड में बिल्कुल किसी को मार दिया है ना ग्यारह बारह लोगों को एक साथ मार दिया है कहीं तो मैंने मेरे उस हेडलाइन पढ़ा है सुबह सुबह थोड़ी देर पहले अभी जस्ट वेरी वेरी गुड इट्स इंडिया हाँ बेटा हाँ भारत जो है ये इसका एशियन कंट्रीज का मेंबर नहीं है देखो फिलीपींस भी है मलेशिया है वियतनाम है लाओस है इंडोनेशिया कंबोडिया सिंगापुर म्यांमार ये सारे लोग क्या है भैया मेंबर है अगला सवाल ध्यान दीजिएगा अगर मैं आपको बात करूं ओलंपिक गेम्स के बारे में तो आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना होगा ओलंपिक गेम्स ओलंपिक गेम्स राइट आपको ये बताना है कि ये ओलंपिक गेम जो था इसकी शुरुआत कब से हुई थी मतलब सबसे पहली बार भारत ने कब भाग लिया था इसमें अब चलो मैं इतना हिंट दे देती हूं कि भारत ने तब भाग लिया था जब अंग्रेजों के अंदर था फटाफट से नहीं बेटा नहीं 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 पेरिस में हुआ था वो वाला जो पहली बार जब हुआ था ना तो जब पेरिस में हुआ था और भारत से जिन्होंने भाग लिया था वो एंग्लो इंडियन थे क्या थे वो एंग्लो इंडियन थे पहले पता ना प्रेसिडेंट दो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया करते थे और वो हट चुका है रिमेंबर ये सारी चीज़ें ना संविधान वाली इन चीज़ों को याद रखिएगा अपने आप में याद रखिएगा गलत गलत १९००, १९०० में हुआ था जब मैंने आपको पहले जब बताया था कि क्या था भैया इसके अंदर १९००, ठीक है नेक्स्ट वन पे अटेंशन फर्स्ट एशियन गेम्स जो था ये पहली बार पहला एशियन गेम्स कहां पे हेल्ड हुआ था कम ऑन मैम ये तो हमने बार बार जीके में पढ़ा है कि सबसे पहली बार जो एशियन गेम्स हुआ था वो कितने मैम तो वो इंडिया में हेल्ड हुआ था नेक्स्ट वन हु बिल्ड द खुजराहो टेम्पल जल्दी से बताएंगे खुजराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था होलकर्स ने कराया था उस टाइम पीरियड पर सिंधियाज ने कराया था बुंदेला राजपूत ने कराया था या चंदेल्स राजपूत ने कराया था फटाफट से जल्दी ना मेरा चैट सेक्शन थोड़ा सा स्लो चल रहा है बेटा उस टाइम पर चंदेल राजपूतों का राज था अगर आपको याद हो तो चंदेल राजपूतों के द्वारा क्या बनाया गया था आपका खुजराहो मंदिर बनाया गया था चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ खुजराहो टेंपल्स जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है खजुराहो टेम्पल्स जो है ये एग्जैक्टली exactly कहाँ पे सिचुएटेड है एनी बेटा जब सुबह जब पढ़ा रहे होते जब की क्लास ले रहे होते हैं बारह बजे जब वो पूरा पढ़ाते हैं जब हिस्ट्री जब पूरा पढ़ा रहे होते तो कहाँ गायब रहते हो ये सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं यार अगर इसके बाद भी कंफ्यूजन होगा तो कैसे काम चलेगा का बताइए आप लोगों से एक दूसरे सवाल और पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि टेम्पल्स जो है खुजराहो टेम्पल्स इनमें किन धर्म के मंदिर हैं तो उसमें हिंदू धर्म के और जैन धर्म के से मंदिर हैं ठीक है ठेके? याद रहेगा अब देखो दो चीज़ें होती थी आप लोगों को लगेगा कि मैम ये क्या था देखो एक पॉलिटिकल कैपिटल हुआ करता था उस टाइम पे जो राजनीतिक कैपिटल जहाँ से वो राजपाट किया करते थे और एक होता था कल्चरल कैपिटल है ना जिसे धार्मिक कैपिटल के, के रूप में भी जाना जाता था तो इनका जो पॉलिटिकल जो कैपिटल हुआ करता था वो कालिंजर हुआ करता था और इनका जो आपका धार्मिक कैपिटल यानी कल्चर कैपिटल जो हुआ करता था वो कौन सी हुआ करती थी बाबा hmm? जहां पे भाई इन्होंने बनाया आपके लिए खुजराहो के मंदिर जहां पे बने मध्य प्रदेश में छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में ठीक है चलो डन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन हुज द आर्किटेक्ट एंड डिजाइन द ताजमहल भैया कौन थे आर्किटेक्ट और जिन्होंने ताजमहल को डिज़ाइन किया था बाहर से बुलाया गया था इनको वैसे तुम कभी सोचा है कि अगर ये लोग पैसा लेने आए होंगे इनके हाथ काट दिए गए होंगे तो इन्होंने तो पैसे कैसे लिए होंगे बेचारों ने आ... चलिए जल्दी से बताइए बेटा पहले आप अपना जेंडर डिसाइड कर लीजिए आप जो ट्रोल करने आए हैं ना एक ही बच्चा आता है वैसे तो बाकी बच्चे बड़े प्यारे से हैं लेकिन एक दो बच्चे जब आते हैं ना तो आप पहले जेंडर डिसाइड कर लीजिए फोटो लगाए हो लड़किया का नाम लिखे हो लड़के का और रहने दो तो बेटा थोड़ा सा वो जो है वो डिसाइड करके उसके बाद एक बार वो सही तरीके से कमेंट करो किसी का मजाक मत उड़ाओ इस तरीके से है ना चलिए वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड देखो भैया इन लोगों का कनेक्शन जो था वो बहुत बाहर वाले लोगों से इनका कनेक्शन हुआ करता था है ना <laughs> क्योंकि बोलो कि मैम इनका तो बड़ा हाई-फाई कनेक्शन था तो मैं बोलूंगी बेटा ये लोग खुद बाहर वाले ही लोग थे इवन ये ऑटोमन सुल्तान का भी सुना है आप लोगों ने कभी कोई सीरीज देखी है सीरीज भी बात आजकल तो हिस्ट्री में सीरीज भी आने लगी हैं हिस्ट्री वाली पुराने-पुराने सुल्तानों के ऊपर ऑटोमन सुल्तान वहाँ से इसका एक कजन था कजन कह लो या फ्रेंड कह लो जो काम करने गया था ठीक है वहां पे इसने देखा इसका काम बहुत अच्छा है ऑटोमन सुल्तान के यहाँ पे फिर उसको बोला यार हमारे यहाँ भी आओगे और इसको इसके क्या करवाया ये वही आर्किटेक्ट था जिसने डिजाइन किया था कि ताजमहल कैसा बनेगा उसकी ऊपरी इमारत जो है वो कैसी बनेगी ये डिसाइड किसने किया था इसी ने भैया बताया होगा 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 उस्ताद ईसा देखिएगा मैंने इसमें सारी चीजें जो है सर मैंने मेंशन कर रखी हैं कि किस तरीके से किस तरीके का आर्किटेक्चर जो है सजेस्ट किया गया था इसके बारे में ना एक दो चीज़ें कही गई हैं ताजमहल के बारे में सेम लेंथ ब्रेथ मतलब एक ही जैसा है चौड़ाई कह लो लंबाई कह लो बिल्कुल एक ही जैसा है कहीं भी ये नहीं कि भैया ऊपर नीचे नहीं है आसाम राज का नाम इस क्षेत्र में विजय प्राप्त करने वाली जनजाति के नाम पर पड़ा है एक्चुअली यहाँ पे एक जनजाति आई थी जो उस टाइम पीरियड पे राज की थी तो आज जो आप आसाम नाम देखते हैं तो लोग कहते हैं कि वहाँ पर आई गेस ट्वेल्थ सेंचुरी के टाइम पर बारहवीं सेंचुरी जब हुआ करती थी उस टाइम पीरियड पर ये श्याम जो थी ये कहां पे आई थी आसाम में आई थी और वहां को विजय की थी तो इसके नाम पे बहुत सारी इसकी बहुत लंबी स्टोरी है इसके पीछे की बहुत बहुत लंबी स्टोरी है वो बाउंड्री की स्टोरी है अगर मैं कभी आपको आसाम के बारे में बताऊंगी बड़ा इंटरेस्टिंग है आपको एक बात बता दूँ ये आसामी वो जगह है आसामी वो जगह है जो महाभारत में और जब आप वेद पुराण उठाते हैं पुराणों में तो वहाँ पे क्या है महाभारत का ही महाभारत कह रही हूँ आसाम का ही नाम है कमरूपा कामरूपा जो नाम आप देखते हो वहाँ पे पुराण वगैरह में वो आसाम का ही नाम वहाँ पे दिया गया है जिसका उल्लेख भी वहाँ पे दिया गया है अब आप कहते हो मैम आसाम का नाम कैसे पड़ा आसाम तो एक्चुअली सीनू तिब्बतन ट्राइब थी जो एक टाइम पीरियड पे अहोम डायनेस्टी के टाइम पीरियड पर आसाम आई थी और ये जो डायनेस्टी आई थी ये जब तुम समझो ध्यान से समझो एक सीनू तिब्बतन ट्राइब थी जो मान लो चलते चलते घूमते घूमते फिरते फिरते भैया आ गए कहाँ पर कांवरूपा में आ गई अब ये लोग आए कहाँ से थे मैम सीनो तिब्बतन ट्राइब कहाँ से आए थे मैम तो सीनो नाम लिया और मैंने तिब्बतन ट्राइब लिया ये चाइना वाले लोग थे और थाईलैंड से लोग थे और उसके बाद इन लोगों ने आसाम में आके अपना रूल जो था वो रूल इन्होंने शुरू कर दिया अपना तो वहां से ये जो नाम है ना ये वहां से ड्राइव होता है असल में अब देखिएगा अगला सवाल मुगल की प्रेजेंस रेड फोर्ट में कब जाके खत्म होती है मुगल की प्रेजेंस जो है वो रेड फोर्ट में कब जाके खत्म होती है फटाफट से जस्ट गिव मी अ सेकेंड आ, मुझे कुछ लोगों को ना हटाना है यहाँ से ठीक hmm. है अब इट्स डन ओके आपको याद होगा कि एक राजा था सेवेंटीन सेंचुरी के टाइम पीरियड पर राइट देखो सेवनटीन सेंचुरी में भैया लाल किला को बनाया गया अब जल्दी से नाम बता दो कि मैम लाल किला को मैम किसने बनवाया था तुम सीधी सी बात समझो कि मुगलों का आगमन कहाँ से शुरू हुआ था मुगलों का आगमन शुरू हुआ था बाबर से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से राइट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जब ये इब्राहिम लोदी को हरा के इंडिया में घुसता है इसके बाद अंत कैसे होता है अंत होता है औरंगजेब से औरंगजेब जो कि बड़ा ही क्रूर शासक माना गया था सिर्फ क्रूर शासक नहीं माना गया था बहुत ऑर्थोडॉक्स किस्म का इंसान था कट्टरवादी किस्म का इंसान था अब इससे जब खत्म हो गया औरंगजेब का शासन जब खत्म हुआ तो तुम समझ लो सत्रह के बाद सब कुछ डिक्लाइन करना शुरू हो गया राइट सत्रह के बाद सब कुछ डिक्लाइन होना शुरू हो गया सब कुछ ख़त्म होना शुरू हो गया बहादुर शाह जफर जो कि आप सब समझ लो एक प्रकार से आखिरी मुगल रूलर था जिसका ना तो कोई भैया एक प्रॉपर रूल था ना कुछ था क्योंकि तब तक अंग्रेज़ों का दबदबा बढ़ चुका था आपको याद है आप लोग बोले अंग्रेज़ों का दबदबा बेटा आपको याद है अंग्रेज़ कब आए थे इंडिया में जब अकबर का शासनकाल चल रहा था तब अंग्रेज़ इंडिया में आए थे वहां की महारानी क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट से चार्टर लेके इंडिया में व्यापार करने का दोबारा कब जहांगीर के टाइम पीरियड पर तुम समझ रहे हो कब तक धीरे 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 अंग्रेजों ने यहाँ पे रहते रहते अपना पूरा सब कुछ सत्तापाठ जमा लिया फिर भैया बहादुर शाह जफर को बोला कि तुम यहां से सीधे निकल जाओ बेटा एक एक ढांग उठाओ और अपना सीधे यहाँ से निकल जाओ क्योंकि अब इस पर तुम्हारा कोई कब्जा कोई अधिकार नहीं है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा स्पैम मत कीजिए ब्लॉक कर देंगे दो मिनट के अंदर अंदर अगला क्वेश्चन हाय नेशनल बर्ड चाइना वाली पता चला ये लोग खा जाएंगे उसको भी बड़ी प्यारी सी दिखती है वो बर्ड मतलब अगर तुम लोगों ने बचपन में कोई पिक्चर देखा था उसका वो अरे मैं तो जवाब बता दूंगी चलो बताई देती हूँ रेड क्राउंड क्रेन रहती है क्रेन है और रेड क्राउन है बोलो हम ये बर्ड कहाँ से हो गए मैम हमारे बर्ड का मतलब मतलब पैरेट है है ना बाकी चीजें ये क्रेन मैम बर्ड बर्ड ही की कैटेगरी में आती है तुम लोग को ना बस मजाक करना होता है यार और कुछ नहीं तो पिक्चर हम लगाए होंगे ये देखो लेकिन क्राउन रेड नहीं है यार नहीं मतलब ही है ठीक है ये हल्का ना मुर्गा माफी क्यों लग रहा है मुझे देखने में पता नहीं इंडिया में इसको पक्का खावा जाएंगे देख लिए ना अगर तो पक्का खा जाएंगे कोई बात नहीं होता है ना

जब अगर ये रहे होते आपके तिब्बत में तो उनको मार ही दिया गया था तो दलाई लामा को जैसा चाइनीज़ है चाइनीज़ का गवर्नमेंट और चाइना जैसे लोग हैं इनको मार दिए होते तो 1959 में दलाई लामा इंडिया आ जाते हैं अब इंडिया आते हैं अकेले नहीं अपने दस हज़ार फॉलोअर के साथ आते हैं तो अब ये लोग किस रास्ते से कहाँ कहाँ जा रहते हैं तो ये लोग कुछ हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और कुछ लद्दाख वाले रीजन में रहते हैं हिमाचल और लद्दाख वाले रीजन में रहते हैं आपको पता है अभी दलाई लामा कहां रहते हैं कभी मन में आया कि ये बुद्धिज्म शुरू हुआ बिहार से और कहाँ-कहाँ फैला हुआ है कभी आया मन में इसके बारे में कभी ख्यालात। ओके वी आर टॉकिंग अबाउट हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में आपको बता दूं इसके बारे में जहां दलाई लामा रहते हैं मैं वहां के बारे में बताती हूं धर्मशाला नाम का जगह है जहां पे ये रहते हैं और आज भी अपनी पार्टी बना के वहां रह रहे हैं इस उम्मीद में बड़े शान अच्छे से रह रहे हैं बहुत आराम से इस उम्मीद में कि ये जाएंगे तब्बत और वहाँ जाके अपनी पार्टी बनाएंगे ओके ये देखो टाबो मोनेस्ट्री मोनेस्ट्री बेटा मठ होता है एक जैसे कि आपका मंदिर होता है वैसे ही मठ होता है कुचिपुड़ी डांस कहां पे स्टार्ट हुआ था कुचीपुड़ी जो है ये एक लोकल नृत्य था गांव का ठीक है तो उससे क्या हो गया ये ज्यादा इसको ये मिल गया रिकोगनाइजेशन मिल गया नहीं कुचिपुड़ी में वो गलत है गलत है कुचिपुड़ी में क्या होता है असल में कि लोग एक नाटक के तौर पर होता है वो डांस करते करते एक नाटक को दर्शित करते हैं जैसे कि भगवान कृष्ण की कहानी को दिखाते हैं ठीक है फिर उनसे जो जलन हो रहा है पत्नी को फिर उस चीज़ को दिखा रहे होते हैं कि वो प्रेम कर रहे हैं उन चीज़ों को एक डांस के माध्यम से जो अपनी कला को जो आप रिप्रेजेंट करते हैं जो कहानी सुनाते हो डांस के माध्यम से उसको बुलाते हैं ये असल में पहले ना वहाँ का लोकल नृत्य था लेकिन लोकल नृत्य जो था ये इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का फेमस हो गया आंध्र प्रदेश का कि भैया फिर तो रहने ही दो डिमांड इसकी तगड़ी शुरू हो गई कुचिपुड़ी ओके गाइस मूविंग फॉरवर्ड नाउ ये देखो नेक्स्ट वन द फर्स्ट इंडियन लेडी टू क्लाइंब द एवरेस्ट टॉप पहली इंडियन लेडी जो एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला बनती है 1984 गाइस, 1984 ये थी कहां से नौकरी से थी हम बात करें बचेंद्री पाल के बारे में बेटा माउंट एवरेस्ट पढ़ना ऐसा कोई खेल नहीं है बेटा जो तुम समझ रहे हो ओके okay, अगला सवाल बेरोच कैपिटल जो है बेरोट असल में किस कंट्री का कैपिटल है बेरुट लेबनान का है टर्की का है ईरान का है या साइप्रस का है फटाफट से बताएंगे सारे लोग जल्दी जल्दी बेटा निज़ाब में कहती जो है यहाँ के पीएम है वैसा मुझे पीएम ही याद है और दूसरा जो है यहाँ पे पाउंड चलती है करेंसी के तौर पे अगर तुम ले लोगे तो यहाँ पे पाउंड चला करती है ओके okay. अरे बालक 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 लेबनन, लेबनन, लेबनन लेबनान बोलो लेबनन बोलो कैन कॉल इट लेबनन हाँ याद ही रखा है मैंने अगला सवाल एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च और एनालिसिस ग्रुप जो है जिसे आप पर अनुराग के नाम से जानते हैं ये असल में कहाँ पर स्थित है फटाफट फ़ड़ से बताएंगे सारे लोग बेटा ये आप लोग का सुबह सुबह जो तो चलता है ये वन लाइनर चलता है यार उस इसमें तो देर मत किया करो हैदराबाद ठीक है वेयर हैदराबाद नेक्स्ट वन पे अटेंशन कोजिकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पर स्थित है कोजी का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे एग्जैक्टली exactly स्थित है महाराष्ट्र में आसाम में या फिर केरला में अगर कभी वही जगह जब 1952 में जब यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे तो सबसे पहली बार पूरे देश में कांग्रेस जीती थी लेकिन पहली बार और इकलौती जगह पर अगर कोई जीता था तो वो था कम्युनिस्ट पार्टी कुछ याद आ रहा है आप लोगों को अरे नालायक कहाँ तमिलनाडु तो है भी ऑप्शन में कहाँ से बता रहे हो फक केरल अगला ध्यान दीजिएगा चौधरी बंसीलाल स्टेडियम जो है ये कहां पर स्थित है फटाफट से चौधरी बंसीलाल स्टेडियम जो है ये कहां पर स्थित है अरे यार मैं मोटी नहीं हूँ ये जो ये एक्चुअली कैसे बताऊँ यार ये जो टी शर्ट है ना दिस इज समिंग आई एम डिसन आई एम गोइंग विद द पोलो टी शर्ट आई एम डिस दिस वन नो वे आई एम कंटिन्यूइंग इट वेरी वेरी गुड वही वही जगह वही जगह जहाँ सब से सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स जहाँ सबसे ज़्यादा खिलाड़ी जो हैं ये आपके बाहर आते हैं हरियाणा चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम जो कि आपका स्थित है बिल्कुल ही प्रॉपर हरियाणा के अंदर ना आपको बताना है कि इसको मैं स्किप करूंगी थोड़ा सा क्योंकि ये ओ, चेंज हो गया यहां पर ध्यान दीजिएगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये कहां पे एग्जैक्टली स्थित है जम्मू कश्मीर में है उत्तराखंड में है असम में है या फिर हिमाचल प्रदेश में है फटाफट से पीडीएफ बेटा आपको मिल जाएगी यार मैं सारे पीडीएफ डी में टेलीग्राम के ऊपर डाउनलोड लो दूंगी आप लोग एक बार दिव्या त्रिपाठी तो तो मैम से सर्च कर लीजिएगा या आपस में जिनके पास लिंक है आप उनसे एक बार लेके आप लोग ये कर लीजिएगा फटाफट से बताएंगे सारे लोग नहीं बेटा उनका संजीव कुमार था एक्चुअली वो आपके महाराष्ट्र कैडर के आई थे लास्ट क्वेश्चन वाला लेकिन वो 2021 तक 2021 में उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था वेरी वेरी गुड बेटा ये राष्ट्रीय उद्यान है अगर तुम एक प्रॉपर तरीके से समझोगे तो कहते हैं कि 171 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है ठीक है कहाँ पे हिमाचल प्रदेश में अच्छा इससे स्क्वायर फुट से याद आया आपको पता है कि दुबई में एक बहुत बड़ा मंदिर बना है कि सत्रह स्क्वायर फिट कुछ ऐसा कुछ मतलब वर्ग का है खेल मैंने बस हेडलाइन देखी है कल ही देखी है मैंने वो और मैंने प्रॉपर तरीके से पढ़ा नहीं यार मुझे पढ़ना पड़ेगा बैठ के बस मैंने उसको पिक्चर्स देखी थी तो मैं पिक्चर ही देखती रह गई उसमें इतना बड़ा मंदिर बनना दुबई में रियली कमेंटेबल है राइट चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ देखिए कुल्लू के क्षेत्र में फैला हुआ है और उसकी ऊंचाई अगर आप देखेंगे पार्क के भीतर की ऊंचाई तो 1500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर है अगला सवाल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन पे ऑब्जर्व किया जाता है आपको गर्व होना चाहिए इस बात के ऊपर कि ऑस्ट्रेलिया की जितनी आबादी है ना उतनी आबादी हर साल दवैया इंडिया प्रोड्यूस कर देता है खैर कोई बात नहीं अगला देखिएगा यहाँ पे किस दिन पर विश्व की जनसंख्या दिवस मनाया जाता है बहुत सारे चीज़ों के बारे में भी आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन देता है जल्दी से बताइएगा और इसलिए भी मनाया जाता है जैसे मैंने बताया कि कोई भी दिन क्यों मनाया जाता है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए तो जनसंख्या का दिन इसलिए मनाया जाता है कि जनसंख्या में जिस प्रकार से वृद्धि हो रही है उसके बारे में बातचीत करिए आइए बैठिए बातचीत कीजिए कुछ उपाय करते हैं कुछ बातचीत करते हैं तो ये कब मनाया जाता है ये ग्यारह जुलाई को मनाया जाता है अगला सवाल ध्यान दीजिएगा हु इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अरे बालक आपके डिफेंस मिनिस्टर कौन है इंडिया के इसका जवाब अगर नहीं दे पाए ना तुम क्या बोले फिर अब हम बताओ कैसे काम चलेगा 2021 में जब पद जी दो हजार इक्कीस कह रहे हैं ए? कैसे काम चलेगा जब दोबारा जब सरकार जब जीती 2014 के बाद जब दोबारा जब सरकार जीती उसके बाद जब पूरा मंत्रिमंडल बना अगर तुम उस पर भी ध्यान नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा जितनी भी डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं चाहे वो डीआरडीओ की बात हो जितने भी रक्षा मंत्रालय सबसे ज़्यादा पावरफुल है हो रहा है आफ्टर होम मिनिस्ट्री राइट वी आर टॉकिंग अबाउट राजनाथ सिन्हा साहब निर्मला सीतारमन को कौन नहीं जानता है सी बात है जानता है देखो मैं ऑलमोस्ट uh, मैं इनके हर एक पॉलिसीज़ को मैं सपोर्ट करती हूँ बहुत अच्छी पॉलिसी चाहे अमित शाह लेके आते हों ठीक है चाहे नितिन गडकरी साहब लेके आते हों राजनाथ सिंह लेके राजनाथ सिंह का एक डायलॉग बहुत फेमस है मैं कड़ी निंदा करता हूँ वो अलग बात है लेकिन मुझे निर्मला सीतारमन का जी का थोड़ा सा समझ में नहीं आता है ऑल्दो बहुत पढ़ी लिखी हैं बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट है बस इसीलिए बातें कौन बोलता है कि प्याज महंगा हो गया तो क्या हो गया असर हर किसी की एक नॉर्मल आदमी की तनख्वाह है ये थोड़ा सा ना मुझे डिफरेंट सा लगता है भाईदार ओके आगे ध्यान दीजिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है एशियन डेवलपमेंट uh, बैंक का हेडक्वार्टर कहा जवाब दोगे स्टैटिक जीके का तो बताओ फिर गुस्सा नहीं आएगा तुम लोगों के ऊपर किसका मैसेज हम नहीं देख लिए बाबा रे बाबा एक नहीं देखो मैम हमारा मैसेज नहीं देखी नहीं हम बैठ जाते अब तुम बता ही दो हमको क्या बात है बता दो नहीं हम सुनेंगे चलो बताओ क्या करना था मैसेज में क्या बताना था तुमको इतनी इंपॉर्टेंट जो वार्तालाप बतानी है तुमको इसके बारे में बताओ हमको हाँ ठीक है ले आएंगे एकदम ले आएंगे मनी मनीला 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 बेटा मनीला से याद आया तुम्हारा अभी एंटीला को क्या नाम है एंटीला क्या ना एंटीला कुछ के नाम है ना उसका मैं उन चीज़ों को पढ़ती रही हूँ जो मुझे पता है कि मेरी ली से बाहर वाली चीजें हैं है ना मेरी लिख से बाहर वाली है भैया अंबानी जी का घर अंबानी जी का घर है अब वो हमें थोड़ी ना मिलने वाला है तो उन चीज़ों को पढ़ के या ज़्यादा देख के दुख प्रकट करके क्या फ़ायदा हा मैंने देखा कई लोग न ऐसे इंस्टाग्राम पर शेयर करते रहते हैं यार उनका घर कितना अच्छा है यार उनका घर ऐसा है वैसा है क्या फ़ायदा है यार देख के मत देखो ना ज्यादा वो किसी उसको ने उसको धमकी दे दिया कि हम वो उड़ा देंगे जगह उड़ा देंगे अमीर होना ही बहुत टेंशन का बात है यार कितना टेंशन होता होगा उन लोगों जरा सा कोई बताओ बिहार में कोई नॉर्मल आदमी कोई धमकी दे दिया उनको लग गया अरे कहीं सही में उड़ा दिया घर वर तो कहीं सही में कुछ कर दिया तो अमीर होना ही बहुत टेंशन की बात है सबसे सुखी जो है हम लोग गरीब आदमी सबसे ज्यादा सुखी होते हैं कोई टेंशन नहीं कोई दरकार नहीं चलो सब बढ़िया चल रहा है ऑनस्ट योर ट्रस्ट दाइन आय हाई हाई ऑनर यूर ट्रैक ट्रस्ट एक था ना प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स और क्या था बहुत सारा टैगलाइन चलता बड़ा कैची टैगलाइन होता था जिससे ना आप झट से आपको याद हो जाता था ऑनर्स योर ट्रस्ट भैया तुम्हारे भरोसे को हम एकदम जोड़ के संभाल के रखेंगे चिंता मत कीजिएगा आपका भरोसा जो है वो किसी भी प्रकार से टूटेगा नहीं नहीं हम सोचे तो थे बेटा कि हम चुनाव लड़ेंगे लेकिन उसके बाद से हमको एक महीना होने जा रहा है तुम लोग का जैसा रिस्पांस हमको दिख रहा है उस हिसाब से तो हमको लग रहा है कि हम वो चुनाव अब नहीं हम लड़ेंगे यार तुम लोग क्लास को शेयर वेयर नहीं कर रहे हो ना तो हमको ना अच्छा नहीं लग रहा है 1943 में इसको किया गया था कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है अतुल कुमार जो हैं वो क्या है इसके सीईओ हैं हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है इसका कोलकाता में नाइनटीन में इसको स्टैब्लिशमेंट यूको बैंक ध्यान दीजिएगा ग्रेन रेवोल्यूशन जो है आप सबको पता है कि श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन दूध के लिए लाई गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन मैम नहीं आती तो हम लोग भूखे मर जाते हैं मैम ये बात तो मैं पक्के से समझ लीजिए जिस तरीके से अकाल पड़ा हुआ था हमारे देश में खाने के लिए मतलब खाना नहीं था हर एक राज्य जो है किसी देखो होता क्या है तुमको समझ में आएगा हर एक राज्य जो है वो किसी न किसी चीज़ के अनाज के अभाव में मर रहा था अकाल की स्थिति इतनी बुरी हो रखी थी ग्रीन रेवोल्यूशन जो था ये किसके लिए लाया गया था क्या चल रहा है बाबू कमेंट सेक्शन में देखो हम तुमको ना बात बताते तुम लोग अभी बताएंगे कोई बात नहीं फर्टिलाइजर 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 एक रुपए का टोपी दिव्या मैम ये तुम लोग दिल्ली वाले लड़के हो ना ये मैंने वहीं पर सुना है दो रुपए की पेप्सी समथिंग 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 कुछ करके ये तुम लोग दिल्ली वाले लोग हो ना क्योंकि मैंने दिल्ली वाले लोगों के मुंह से सुना है वहां जितने एजुकेटेड से उनके मुंह से सुना है ठीक है तुम्हें तो बोलती भी थी कि यार आप लोग क्या ही मतलब करते हो ये सारा ना डिप बनाने वाला काम ना ये सारी चीजें बनाने वाला काम यही लोग करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन एक्चुअली फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए बात करेगी गई देखो जब भी कोई कृषि विभाग काम होता है जब भी फार्मिंग की बात होती है किसकी बात होती है जब भी फार्मिंग की बात होती है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट वहाँ पे रोल जो प्ले कर रहा है अगर बेटा फर्टिलाइज़र ही नहीं होगा तो एक प्रॉपर तरीके से तुम कैसे कह सकते हो इस बात को कि वहाँ पे फसल हो पाएगी रेवोल्यूशन ज़रूर याद कर लो श्वेत क्रांति किस चीज़ से लाई गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन किस चीज़ के लिए लाई गई थी ठीक है ब्लू रेवोल्यूशन किस चीज़ के लिए लाई गई थी ग्रे रेवोल्यूशन किस चीज़ के लिए लाई गई थी, थी ये सारी कुछ चीज़ें हैं जबकि एग्जाम्स में आती ही आती हैं बात आई समझ में बहुत अच्छा बेटा बहुत शानदार बहुत शानदार अगला सवाल देखेंगे क्या और की करेंसी क्या है जल्दी से बताएंगे सारे लोग हाँ ग्रेट 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 अरे बेटा वही करेंसी जो हमेशा पैसे से थोड़ा ऊपर रहती है कौन सा डॉलर 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 ना, ना 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 हो बेना चलिए आगे बताइएगा मैंने क्या बोला आप लोगों से क्रिकेट ग्राउंड जो है ये कहां पर में, में, न्यूजीलैंड में या फिर श्रीलंका में फटाफट फड़ से जल्दी जल्दी बेटा काउंटी ग्राउंड है ये ये वही लोग हैं जिन लोगों ने हमारे ऊपर राज किया था तो चलो इनके ऊपर भी राज करते हैं कभी मन में नहीं आया तुम लोग के है नहीं तो बिना मतलब के अंबानी के पीछे पड़े रहते हो यूके में है भैया आगरा देखेंगे वर्ल्ड पैरोडे जो है गौरैया दिवस मनाया जाता है किस दिन पे गौरैया तो अब लुप्त ही हो गई बचपन में दिखती भी थी गौरैया अब तो दिखती भी नहीं है हाय रब्बा एक दिन ऐसे इंसान भी लुप्त हो जाएगा मैम कल मैंने वो गोलगप्पे खाते हुए देखा था बेटा हमको बहुत सब महीने महीने हो चुके हैं गोलगप्पे खाए हुए बात आई समझ में बहुत महीने महीने हो चुके हैं ऊपर से नवरात्रि चल रहा था इतने दिनों दे से तो नवरात्रि में प्याज व्याज देते नहीं है अब ना प्यास का खाएगा गॉन वो भी एक तो बड़ा पॉइंट है यार। बचपन में लेकिन क्या इसका शौक हुआ करता था ना बचपन में गुल्पी खाएंगे चाट खाएंगे पापा ओके, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है मैंने आपको दो जगह बताई थी कि बेटा देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा देखो ऐसे मुझे बोला नहीं चाहिए लेकिन जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा याद समझ लेना कि देखो या तो जेनेवा होगा जेनेवा अगर ऑप्शन नहीं तो बेल्जियम कर देना ब्रसल्स बेल्जियम कर देना मैक्सिमम जगह का हेड क्वार्टर जो है ये इन्हीं दोनों जगह में बिल्कुल स्तर तरीके से एक ट्रिक के तौर पर यहीं पर मौजूद रहता है देखेंगे बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट रीजन जो है हम अगर उसको कहेंगे तो कौन है ये वो टी कैसे कट गया अच्छा इधर कट रहा है लगता है ध्यान से बताइएगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन जो है वो कौन सा है आप किसे मानेंगे हिमालयन रेंज को मानते हैं या फिर सुंदरलैंड लैंड को सुंदर को मानते हैं या इंडो बर्मा रीजन को मानते हैं या फिर आर 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 पे अटेंशन डाइज अरे नाटो में पुतिन मैं वॉर छोड़ के आपकी क्लास देखने आया हूं मतलब मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ मतलब उफ़ शुक्रिया शुक्रिया एक काम कीजिए ना पुतिन जी वॉर छोड़ दीजिए ना कहे वॉर कर रहे हैं ध्यान दीजिए हिमालयन रीजन में है कहाँ तुम लोग अभी यूके में अटके हुए पक्का मेरा कमेंट सेक्शन जो है ये स्लो चल रहा है वेरी वेरी गुड हिमालयन रीजन <laughs> क्या हमने कहा हिमालयन रीजन ओके ग्रेट देखो एक ना मेरे साथ चीजें हैं कि आ, मैं रील बनाने वाली हूँ वो निब्बा निब्बी और वो मैं हूँ नहीं लेकिन अब क्या करें वक्त की बढ़ती हुई डिमांड और ऊपर से देख देख के लोगों को मन कर जाता है कि बड़ा अच्छा लग रहा है इसके ऊपर लिपसिंग कर देते हैं लेकिन लिपसिंग क्या मैं पहले रिकॉर्ड करती हूँ फिर मैं उसको डाल देती हूँ रील के ऊपर तो ऊपर नीचे होना वो तो लाजमी है मतलब मेरे साथ क्योंकि मैं इन सब चीज़ों बहुत दूर रहती थी ये सोशल मीडिया साइट्स एंड ऑल दो काइंड ऑफ थिंग मुझे आज चलाने तक नहीं आता था आज भी नहीं आता है चलाने इसीलिए एडिटिंग भी नहीं आती चलाने तक नहीं आता था कि हाँ भैया कैसे चलता है क्या होता है ये सारी चीज़ें तो उसमें कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं उसमें एक बहुत मैं छोटा सा गया था वो बंदा कहाँ है करके हाय रब्बा मतलब कमेंट सेक्शन में लोग पता है क्या लिख रहे हैं चलो कुछ लोग को तो ठीक है लेकिन दो लड़कियाँ आके लिखती हैं अगर क्लास में से लड़कों को डांटोगे तो जिंदगी भर ऐसे ही सिंगल रहोगे <laughs> मतलब ऐसा कौन करता है वो लड़की थी या लड़का था आई सीरियसली डोंट नो ध्यान दीजिएगा 21 मई को बाईस मई को इक्कीस मई के दिन डिसाइड हुआ कि बाईस मई को जो कॉन्क्लूड हुआ था आपका बैडमिंटन थाईलैंड ओपन इस टाइम पे वुमेन सिंगल्स किसने जीता था पीवी वी संधु ने जीता था लचाउ ने जीता था या ताई जो यंग ने शिन यू फेर नहीं चल दिस ताई जो यंग वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड वन बहुत अच्छे बहुत अच्छे विधान बहुत अच्छे नहीं और यहाँ पे क्या था तीन लाख साठ हजार डॉलर का पुरस्कार था तीन लाख साठ हजार डॉलर का पुरस्कार था जो जीतेंगे उसके ऊपर बहुत अच्छे यिंग किस स्टेट ने आ, आ आ ये बड़ा अच्छा है और ये बड़ा फेमस भी रहा है इसने ये कैबिनेट सिस्टम इंप्लीमेंट किया है इस राज्य ने मध्य प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना या हिमाचल प्रदेश तो बेटा ये है आपके न्यूज में आता हुआ चर्चाओं के शहर से आता हुआ और यह कौन सा है यह है हिमाचल प्रदेश जिसने जो कि पहला राज्य बनता है जिसने इंप्लीमेंट किया है ई कैबिनेट सिस्टम अच्छा एक बात बताओ ई बजट किसने पेश किया था ऐसे ही ई बजट किसने पेश किया था कुछ याद आ रहा है लास्ट ईयर का दिन वक्त नेक्स्ट वन बिल्डिंग कल्याण मंडपास कल्याणम मंडपास किसके टाइम पीरियड पर जब पहले मंदिर बनते थे तो उन मंदिरों के साथ क्या बनाते थे तो कल्याणम मंडप भी बनता था आप आज भी जाओगे साउथ में तो आप देखोगे कि साउथ में आज भी मंदिरों के साथ कल्याण मंडप बना हुआ है मैक्सिम लोगों के दिल में और जहन में ये आएगा, ख्याल आएगा कि मैम कल्याण मंडप क्या होता है शादी का मंडप बना होता है मंदिर में ही शादी का मंडप बना होता है आज जो आप ये... देखो हर चीज के पीछे ना पौराणिक चीजें है जिसका स्ट्रक्चर्स जुड़ा हुआ है आप जो कहते हो ना कि मैम शादी आज मंदिर में क्यों होती है अरे पैसा नहीं है तो इस तरह कहते हैं लोग कि शादी मं... मंदिर में कर लेंगे नहीं बेटा शादियां पहले मंदिर में ही होती थी भगवान के आशीर्वाद से जब शादी होनी तो भगवान के स्थान में क्यों ना शादी हो तो वहां पे मंडप सजाया जाता था तो साउथ में जब राजा हुआ करते थे तो वो राजा पहले से जब जैसे मंदिरों को बहुत निर्माण करवाते थे तो जब भी मंदिरों का निर्माण करवाते थे तो वहां पे इस बात का ख्याल रखते थे और कल्याण मंडप यानी कि शादी का मंडप का भी वहां पे निर्माण कराते थे आप देखोगे कि आज भी वहां पर आपको कुछ कुछ जगहें मिल जाएंगी बाकी तो बहुत जगह तोड़ दी गई हैं आपको पता है कि हमारे देश में बड़े से इन्वेडर्स बहुत सारे आए थे बाई द वे वेरी वेरी गुड वेरी गुड जब मैंने बेटा साउथ बोल दिया तो आप लोग को मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को उसमें कुछ और सोचने की जरूरत है राइट right? विजयनगर अगला सवाल बाग मास्कर जो है ये कब हुआ था ध्यान दीजिएगा ये वो दिन जब जनरल डायर का एक ऑर्डर जनरल डायर का एक ऑर्डर कह सकते हो कि तुम बस एक नफरत में दिया हुआ एक ऑर्डर जो उसको मारना ही था असल में अगर उसको वार्निंग देनी होती तो वार्निंग देकर जा चुका होता लेकिन उसको वार्निंग नहीं दे रही थी उसको मारना ही था बहुत प्रोटेस्ट हुए इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इसके लिए जाने आ, कितना बदला लेने के पीछे क्या क्या नहीं किया उन लोगों ने कितनी मेहनत कितनी मशक्क़त नहीं की लेकिन अल्टीमेटली उनका नाम आज आप लोगों को याद है नहीं आप लोगों को नाम अगर याद रहता है तो एक दो लोगों का नाम याद रहता है जो राजनीति में थे जो राजनीति से जुड़े हुए थे आज़ादी के बाद भी और जो भी कहूँ आप लोग उन लोग का आप नाम भूल जा रहे हो इतिहास में या फिर हमें पढ़ाया नहीं गया है इतिहास में जिन लोगों ने जाने क्या क्या नहीं किया हाँ जी एकदम प्रेजेंट है आप इस क्लास में चिंता मत कीजिए जैसे आप नरसंहार के रूप में जानते हैं लोग बस आए थे एक नॉर्मल डिस्कशन चल रहा था बस सारे लोग मेरा की तरह देखने सुनने प्यार से बच्चे औरतें सारे वहाँ पे मौजूद थे उसने अंधा धुंध गेट बंद कर दिया गेट बंद करने का मतलब ये है कि तुम सज़ा देने आए हो जान से मारने आए हो अगर तुम्हें वहाँ से जाने के लिए कहना होता तो तुम एक वार्निंग देते और लोगों को बोलते वहाँ से चले जाओ लेकिन उसे गेट बंद कर दिया गोलीबारी शुरू कर दी कई हज़ार लोग शीना झपटी मारे गए जो दीवार से फान के भागने की कोशिश कर रहे थे वो मर गए बहुत सारे लोग तो कुएँ में कूद गए वहाँ पर जो कुआँ मौजूद था उसमें कूद गए उस के दौरान पे चलिए आगे बढ़ते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपके सामने ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे बुलाते हैं 2021 में इसको ये अंबर डे फाउंडेशन की तरफ से ये आपको टैग मिला था ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का टैग मिला था ग्रेटर मुंबई के बारे में हम बात कर रहे हैं पता नहीं मुंबई को कितनी अलग अलग जगह में इन लोगों ने बांट रखा है साउथ मुंबई ग्रेटर मुंबई नॉर्थ मुंबई हैं इनको बैठा के बोल दो आज जो भी बोले अब साउथ मुंबई से इनको बैठा के बोल दो कि बैठा एक टाइम पे ना ये लोग दहेज दहेज खिल रहे थे मुंबई के साथ पता है तुमको तुम दहेज दी वाली जगह में हो ओके चलिए गाइस तो आई होप आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा एंड मिलते हैं आप लोगों से दोपहर के बारह बजे पॉलिटी के सेशन में वहाँ पर बेटा टाइमली आ जाना एकदम प्रॉपर तरीके से आ जाना क्योंकि पॉलिटी के सेशन में ज़रा से भी अगर कोताही करोगे देखो वो है हमारा फेवरेट सब्जेक्ट तो वहाँ पर हमको भी कोताही करने में ज़रा से मन नहीं लगता तुमने भी ज़रा से कोताही करी तो हम बेटा बेल्ट बेल्ट जो मार मारेंगे फिर कहने का नहीं है सो थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू एवरी वन फॉर ऑल ए लॉ एंड सपोर्ट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक यू सो मच क्या क्या कुछ पूछना है किसी को क्या हाँ यार बच्चों मुझे कमेंट्स ना बहुत देर से दिखाई दे रहे हैं को आज मैं वो करती हूँ मैं वहाँ पे लगवाती हूँ पहले उसके बाद होगा कुछ भी ठीक है ग्रेट एवरीवन चलो चलो बाय